व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नॉलेज टू ग्रो। नॉलेज टू ग्रो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल मैं अपने ऑफिस में हूँ, यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था और मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता था। तो हम बैठ कर बात करते हैं इस विषय में। मुझे कुछ दिन पहले कमेंट्स आए थे मेरी कुछ पुरानी वीडियोस के ऊपर। मैं देख रहा था, काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था तो मैं एक्चुअली वीडियोस के कमेंट्स को नहीं पढ़ पाया, आई एम सॉरी। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप तो वैसे ही दिखते हो जैसे हो, पतले हो, इन्होंने कोई ज़्यादा मसल मास गेन नहीं किया है, ब्रॉड शोल्डर नहीं है आपके, बिगर चेस्ट नहीं है, नो विजिबल सिक्स पैक ऑल द टाइम नहीं है, एंड आप शो करो, आप दिखाओ अपनी बॉडी, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो भाई यस, मैं एक इंसान की तरह दिखता हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। आई एम नॉट दोज टाइप ऑफ गाइज जो आपको बिना बताए स्टेरॉयड लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और फिर आके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो डाल के बोलते हैं कि हमने मेहनत की है और 3 महीने में बॉडी बन जाती है, 2 महीने में बॉडी बन जाती है, 1 महीने में बॉडी बन जाती है। तो गाइस, अगर आप ये सब सोच रहे हो और आप इंस्टाग्राम वाली लाइफ में जी रहे हो तो रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। सो गाइस, 1 महीने में 3 महीने में बॉडी नहीं बनती है, इट्स टेक्स टाइम। इसमें आपको सालों लगेंगे अच्छी बॉडी बनाने के लिए। मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं जिम करते हुए, आई एम स्टिल लुक द सेम, मैं वैसा दिखता हूँ। यस, मैं अगर आपको कपड़े अपनी कुछ वीडियो डालूंगा इसमें जिसमें मैंने अपने क्लोथ्स नहीं पहने हैं, तो आई लुक लॉट बेटर देन नॉर्मल गाइज और जो वर्कआउट नहीं करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यू स्टिल लुक लाइक अ ह्यूमन, यू कैन नॉट स्टिल लुक लाइक जॉइंट शोल्डर ऑल दिस थिंग्स। और जो सब ये लोग बोलते हैं दे टुक स्टेरॉइड्स, वो स्टेरॉइड लेते हैं, वो माने ना माने, वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स PED जिनको बोलते हैं वो लेते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं वो लेते हैं, तो HRT थेरेपीज होती हैं वो लेते हैं। YouTube में बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े बड़े फिटनेस चैनल हैं, आप देख लीजिए, तरुण की कोई देख लीजिए, इंडिया के बेस्ट फिटनेस कोच एक्सपर्ट हैं वो अपना 3000 में पता नहीं कौन सा प्रोग्राम बेच रहे हैं, 90 दिन में आपकी बॉडी बना दे रहे हैं। तो आप देखिए, आप सोचिए, आपके पास खुद अपना ब्रेन है, आप सोचिए समझिए कि, और आप मिस्टर ओलंपियाज को देखिए, आप देखिए कि कितने बॉडी बिल्डर 35 से लेके 45-50 की एज के बीच में मर गए हैं, दे ऑल आर डेड, एक्सपायर हो गए हैं वो, क्यों? दे टुक स्टीरॉइड्स, यूज़ कर रहे हैं स्टीरॉइड्स का, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, ये सच है। आप कितना भी देख लीजिए, लोग छुपा नहीं सकते, वो ओलंपिया वाले सारे स्टीरॉइड लेते हैं, कोई ना कोई हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को भी प्रॉब्लम होगी। अब रिच पियाना को देख लीजिए, शॉन रोडन को देख लीजिए, एक और थे सर, उनकी डेथ हुई है, तो रिसेंटली ही काफ़ी डेथ हुई है, दे आर वेरी यंग। आप देख रहे हैं आजकल वो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई लोग जिम जाते हैं, जिम में जाते हैं मर जाते हैं, वर्कआउट करते हुए मर जाते हैं। तो गाइस, ये सब स्टेरॉइड्स के अब्यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, और वो ट्रेनर उस ट्रेनर से दूर रही जो आपको बोलता है मैं आपकी 3 महीने में बॉडी बना दूंगा। भाई, आप 6 महीने में ऐसे दिखने लगोगे जैसे आप कभी नहीं दिखे एजिस में, तो प्लीज़ दूर रहिए इन चीज़ों से। आपको अच्छा दिखना है यार, अच्छा मतलब अच्छा जीना है लाइफ। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट गेटिंग सिक्स पैक एब्स, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आपको पढ़ना है, आपको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी है, आप अपने शौक जीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। वर्कआउट को वर्कआउट के तरीके से ही करिए, अपने आप को फिट रखिए, एक अच्छे ह्यूमन बनिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। गाइस, इफ आई लुक लाइक दिस आफ्टर डूइंग दैट मच ऑफ वर्कआउट एंड दैट मच ऑफ, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अंदर से हेल्थी हूँ, मैं पूरा हेल्थी हूँ, मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना ही कोई कभी सांस चढ़ती है, ना ही किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। सो आपको अंदर से भी हेल्थी रहना है तो स्टेरॉइड से दूर रहिए, अच्छा खाना खाइए, खुद बनाइए,
ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े बड़े मसल बॉडीज़ हैं, जिन लोगों की बॉडीज़ हैं सिक्स पैक हैं वही लोग तो मर भी रहे हैं भाई। आप उन्हीं की एडवाइस तो सुन रहे हो, आप तरुण गिल को सुन रहे हो, और आप तरुण गिल के बारे में सारे बड़े बड़े यूट्यूबर फिटनेस एथलीट्स क्या बोल रहे हैं वो भी आपको पता है। तो आप खुद सोचिए, जो दिखता है वो बिकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट मैं आपको वो नहीं दिखा सकता जो मैं नहीं हूँ। मैं एक अपना फिटनेस चैनल चलाने के लिए स्टेरॉयड नहीं ले सकता, सॉरी गाइस, मैं ग्रोथ हार्मोन्स नहीं ले सकता, मैं PED नहीं ले सकता। नॉर्मल वे प्रोटीन लेता हूँ, क्रिएटिन लेता हूँ, बस यही दो सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ। पहले मैं BCAA लेता था जिसमें मेरा पैसा वेस्ट हो गया, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, तो मैं उसको अभी नहीं लेता हूँ। उसके अलावा भी बॉडी बिल्डिंग इज़ कॉस्टली स्पोर्ट्स, कॉस्टली है ये, मेरे बजट में नहीं है कि मैं हमेशा डब्बे पे डब्बा खाता रहूँ, ठीक है। और फिश चिकन दे ऑल आर कॉस्टली, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सो आई कैन नॉट स्पेंड लाइक यू नो, मैं नहीं ऐसे पैसे वेस्ट कर सकता। और मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा, अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, कंटिन्यू खा रहे हो, 6 महीने से साल से खा रहे हो, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक, 2 वीक का ब्रेक ले लीजिए, 1 वीक का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेना हमेशा अच्छा होता है, तो टेक अ ब्रेक। और आप वर्कआउट से भी ब्रेक ले सकते हैं, 15 दिन का ब्रेक ले लीजिए, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ कहीं नहीं जाएगी, बिलीव मी, एंड आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, लॉन्जिविटी बनी रहेगी। और वर्कआउट हमेशा ऐसा कीजिए जिसमें आप कंट्रोल कर सकें वेट को। ईगो लिफ्टिंग मैंने भी की है, पहले करता था, शोल्डर डैमेज किया अपना, बट समझ आ गई है कि ईगो लिफ्टिंग से मसल नहीं बनते, मसल बनते हैं रेपिटेशन करने से। और अगर आपका एक रैप 100 kg का है तो उसका 75-80% लेके ही आप मसल बना सकते हैं, अच्छे मसल ग्रो करेंगे। नॉट एवरी डे यू हैव टू लिफ्ट 100 kg, उससे आपके जॉइंट्स बहुत जल्दी वार्म आउट हो जाएंगे, तो प्लीज़ स्टे सेफ। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में चल रही थी, हो सकता है मैंने बहुत सारी बातें दिमाग से निकल भी गई हूँ, तो इसीलिए ऑफिस में बैठे बैठे ये सोचा कि आपको थोड़ा इस विषय में बता दूँ। सो आई होप गाइस, मैं जो भी कंटेंट अपने चैनल पे डालता हूँ वो आप लोगों की किसी तरीके से हेल्प कर सके, आपको मदद दे सके, मेरा यही सिर्फ मकसद है, और कोई मकसद नहीं है मेरा इस चैनल को बनाने का। सो यस, जो फेक और इंस्टा वाले मॉडल्स हैं प्लीज़ उनसे बचिए, भाई आपके पास ब्रेन है, यूज़ कीजिए, अच्छी लाइफ जीजिए। ये 2-3 महीने की चांदनी जो आप स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाएंगे, लड़कियाँ इंप्रेस करेंगे, क्या कर लेंगे बॉडी बना के, यू नो, उस फेक बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अंदर से अच्छे रहिए, अंदर से स्ट्रांग बनिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।